तो जो हमको देखने में आया उस पर मैंने प्रैक्टिकली किया और इसको पूरी तरीके से ये चीज़ें सक्सेस रही, तब हमने आपके लिए उस वीडियो को बनाया और शेयर किया परसों वाले वीडियो में। उस पर हम बताते हैं कि आप वो जो रिले पे जो कैपेसिटर लगाए हैं यहाँ पे, उस कैपेसिटर को ना लगा के आप यहाँ पर जो डायोड लगाने की बात कहे हैं ये बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए डायोड कैसे लगता है, और ये जो डायोड है ये बहुत ही काम करेगा आपका, ये रिले को स्पार्क होने से बचाएगा। देखिए इसमें क्या है कि जैसे ये हमारा प्लस वाला सप्लाई है, ये कॉमन हो जाता है सभी रिले के लिए, वो चाहे 3 रिले का हो, चाहे 2 रिले का हो, चाहे 4 का हो, वो कितना भी हो, सब में कॉमन ये पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव ट्रांजिस्टर से मिलता है। दूसरी बात यहाँ पर देखेंगे तो ये ट्रांजिस्टर का भी जो है स्विचिंग टाइम होता है, अलग अलग नंबर के ट्रांजिस्टर भी अलग अलग अपना बिहेव करते हैं, किसी किसी का कुछ नैनो सेकंड होता है, यानी ऑन और ऑफ होने का जो इसका टाइम होता है ऑन का, ठीक है, वैसे ठीक उसी तरीके से रिले में भी होता है, रिले का भी अपना क्वालिटी होता है। इसमें जो ये देखा जाता है कि एनसी जो नॉर्मल क्लोज है ये, और नॉर्मल ओपन, यानी दो दो कंडीशन है, तो ये जो है नॉर्मल क्लोज के समय, यानी जैसे जब यहाँ पर रिले में ये ऑन सिग्नल नहीं है, ऑफ कंडीशन में है, तो उस समय ये इससे कनेक्ट रहेगा एनसी पोल से, यानी ये पोल एनसी से कनेक्ट रहेगा। लेकिन जैसे इसमें यहाँ पे इसको जो है ऑन सिग्नल मिला, और ऑन सिग्नल वोल्टेज मिलते ही ये रिले ऑन होगा, ऑन होते ही ये निगेटिव यहाँ पर आएगा और इस रेजिस्टेंस 10 ओम के रेजिस्टेंस के द्वारा इस कॉइल में जाएगा। कॉइल में जैसे जाएगा, जैसे यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिससे एक चुंबक की तरह से वो बिहेव करेगा, इसके अंदर जो है एक चुंबक जब जनरेट होगा तो ये इस पोल पे लगा इसको जो है खींचेगा, और खींचेगा तो ये उस समय ये जो है कनेक्ट हो जाएगा इससे यहाँ पे एनो से कनेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसे ये डिसकनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिसकनेक्ट यहाँ से, ये जैसे यहाँ से डिसकनेक्ट होगा तो उस समय एक स्पार्क होता है। स्पार्क क्या, जो क्योंकि यहाँ पर जो लोड होता है आउटपुट पे, जैसे कई इंडक्टिव लोड हैं, या मान लीजिए 5 KV का स्टेबलाइजर है और 2000-3000 लोड है, तो जैसे यहाँ से छूटेगा कोई भी वायर जब आप जोड़ते हैं तो देखिए पहले स्पार्क होता है, अगर लोड रहेगा तो स्पार्क होगा, अगर लोड नहीं रहेगा तो कोई भी स्पार्क नहीं होगा, आप वैसे भी जोड़ सकते हैं पकड़ के, लेकिन अगर स्पार्क है तो उस समय प्रॉब्लम है। तो लोड स्पार्क क्यों हुआ, लोड की वजह से हुआ। वही वही बात यहाँ पर होता है कि जब एक पोल से, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब ये स्टार्ट होता है तो उस समय ये स्पार्किंग इशू आता है। अब देखिए स्पार्किंग इशू के लिए कैपेसिटर, कई कंपनियों को देखें कि कैपेसिटर तो ऊपर से लगा लिए कि कुछ देर जो चार्ज रहता है कैपेसिटर उतना वो रिकवर कर लेता है, 1 नैनो सेकंड का जो इसका टाइम पीरियड होता है टचिंग का, यहाँ का सभी रिले का अलग अलग होता है लेकिन एक कॉमन रूप से हमने यहाँ पर लेते हैं, तो वो चीज़ें कवर हो जाती है। लेकिन ये हम जो बता रहे हैं, ये जब रिले ऑन होता है और ऑन के कंडीशन में ये इसे खींचेगा तो ये यहाँ पर जो स्पार्किंग होगी, ठीक है, जैसे नॉर्मल है मान लीजिए वोल्टेज नॉर्मल है, या जैसे 90 वोल्ट है तो फिक्स है, लेकिन कहीं कहीं अगर नॉर्मल से 110 गया, 150 गया, फिर नीचे ऊपर ऊपर नीचे, तो वैसे ये जो है रिले भी जो है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ देखते होंगे, बार बार आवाज़ करता होगा। और इस समय एसी जब लगा होता है तो कहीं कहीं कंप्रेसर जब बंद होता है फिर कंप्रेसर चालू होता है, तो कंप्रेसर बंद और चालू के समय मान लीजिए बगल में पड़ोस में कई जगह पे एसी लगे हैं तो वहाँ के वोल्टेज ड्रॉपिंग भी हमारे घरों में इफ़ेक्ट डालते हैं, तो उस पर स्टेबलाइजर पे जो इसके इनपुट पे इफ़ेक्ट आता है, तो ये उसी के अनुसार बिहेव करते हैं रिले, ठीक है। अब देखिए उस समय क्या होता है कि जब हम किसी में डायोड नहीं लगाए हैं, ये डायोड देखें जैसे ये पॉजिटिव है, ये कैसे लगेगा ये देखें, यहाँ पे ऐसे एक डायोड होगा 4007 और एक सफ़ेद कलर की लाइन होगी,
ठीक है, वो लाइन होता है कैथोड, कैथोड इससे जुड़ जाएगा पॉजिटिव से सभी का, ये उल्टा ना हो। तो पहले तो हमको ये देखना होगा कि ये जो कामन है, कामन जहाँ जहाँ कामन है उसी उसी रिले पे ही, यानी इसी रिले के इसी पॉइंट पे एक एक डायोड लगा दें। लेकिन डायोड लगाते समय इसका जो पॉजिटिव ये है, क्या नाम है, ये व्हाइट वाला लाइन है, इसको जो है इसी की लाइन में सीरीज जो गया है इसी पे जोड़ते चले जाएं और दूसरा पॉइंट दूसरे पे जोड़ दें। ये आपका उस समय काम करेगा। देखिए जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ, यानी यहाँ से वोल्टेज आउट हुआ, तो ये रिले, ये जो है ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने का मतलब कि ये निगेटिव जो यहाँ आ रहा था, ये निगेटिव अब यहाँ पर नहीं आएगा। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बना, ठीक है, अब मान लीजिए ऐसे ओपन हो गया, अब ये ओपन हो गया तो उस कंडीशन में, सॉरी यहाँ से बताते हैं कि जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ, ऑफ होने के बाद ये निगेटिव जो यहाँ मिल रहा था ये यहाँ आना बंद हो गया, तो ये ओपन हो गया। अब इस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा मैग्नेट इसमें बना वो क्या करेगा, इसी में कोर में रहेगा कुछ नैनो सेकेंड के लिए, जब तक ये अपना पूरा साइकिल पूरा ना कर ले। क्योंकि अगर यही चीज़ें यहाँ पर आती निगेटिव में तो ये अपना पूरा जो है साइकिल पूरा कर लेता। अब क्या हुआ, कट गया तो ये अधूरा बच गया। अब यहाँ पर बनने वाला जो इस पॉइंट पे वोल्टेज है वो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। उतना देर ये जब तक इसमें डिस्चार्ज ना हो तब तक वो रहेगा। अब यही जब यहाँ पे एक डायोड ऐसे लग जाएगा ऐसे, तो उस कंडीशन में देखिए जैसे ये ओपन कंडीशन है, और ओपन कंडीशन में जैसे इसमें गया, तो ये ओपन कंडीशन में जैसे यहाँ पर जो वोल्टेज बना है वो तुरंत फॉरवर्ड के रूप में यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, तो ये पूरा एक साइकिल पूरा कर लेगा। इस डायोड को, यानी इस मेथड को कहते हैं कि फ्री व्हीलिंग। फ्री व्हीलिंग मतलब, फ्री मतलब स्वतंत्र, और व्हीलिंग मतलब ये जैसे चक्र होता है चक्का, ठीक है, साइकिल, तो इसे कहते हैं फ्री। तो यानी जो करंट बह रहा था कंटिन्यू, अचानक इसे यहाँ पर ओपन हो गया, अब वो कहाँ पे पूरा करेगा अपना, तो ये इसी डायोड के द्वारा इसे पूरा करा लिया जाता है। तो ये तुरंत जैसे ये ऑफ होगा तो ये रिले अपना, जैसे यहाँ पर जो नैनो सेकंड इसे डिले लगता था वो क्विक जो है इससे टच हो जाएगा, तो जिससे स्पार्क मोमेंट जो है उसमें, क्योंकि जब आप कहीं ये बहुत देर लगता है या बहुत स्लो होता है, जैसे कोई वायर जोड़ रहे हैं ऐसे लाइए स्पार्क तो कम स्पार्क होगा, लेकिन उसमें ज़रा सा ढीलापन करिए तो देखिए बहुत तेज़ स्पार्क होता है। उस कंडीशन में रिले ख़राब होने का सबसे ज़्यादा डर होता है। तो ये हो गया इसका फ्री व्हीलिंग, फ्री व्हीलिंग डायोड, फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है। ये 4007 यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि ये एमसीबी को लेकर, कि ट्रांसफार्मर जो जलते हैं, एमसीबी बार बार जैसे ट्रिप होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कभी कभी एमसीबी ख़राब भी होता है, ठीक है, जो बार बार ट्रिप हो जाता है। तो उस कंडीशन में कभी कभी क्या होता है कि जैसे 25 एम्पियर का लगा हुआ है तो उस समय 32 एम्पियर या उससे अधिक एम्पियर लगा दिया जाता है, या डायरेक्ट इसे जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर देखें कि कोई भी स्टेबलाइजर है उसका एक एम्पियर कैपेसिटी होता है, एम्पियर और वोल्टेज को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वाटेज में आता है, ठीक है, कोई भी लोड। अब जैसे मान लें ये हमारा 5 KVA का है, ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो 200 वोल्ट अगर आउटपुट वहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, 5 KVA, तो देखा जाए तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से इसमें 25 एम्पियर करंट आप ले सकते हैं। इससे 25 एम्पियर से ज़्यादा लेने पे ये ओवर हीटिंग होके जलने का डर होता है, ठीक है, इसीलिए एमसीबी लगाया जाता है। जब आप यहाँ पे देखते होंगे कोई फॉल्ट होता है तो उस कंडीशन में एमसीबी ट्रिप हो जाता है, या यहाँ पे रिले कोई चिपक गया और यहाँ से अब ये जो है आउट नहीं हो रहा है, तो इसमें करंट ओवर फ्लो होगा, ओवर फ्लो होके रिवर्स करंट आने की वजह से एमसीबी क्या होगी, ये ट्रिप हो जाएगी, जिससे यहाँ पर सप्लाई आना बंद हो जाएगा और आपका ट्रांसफार्मर बच जाएगा।